नमस्कार, जीएस डेली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पानी पूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और तेल चाहिए पानी पूरी तलने के लिए। सबसे पहले हम एक बर्तन में आटा, सूजी और बेकिंग पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। डो को हम लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही चिकना कर लेंगे। तो अब हमारा डो बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। ये डो बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा डो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अब हम फिर से एक बार इस आटे को अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से चिकना कर रही हूँ। तो अब हमारा आटा अच्छी तरह से चिकना हो चुका है, तो अब हम इसे 2 या 3 भाग में बांट लेंगे जिससे हम इसे आसानी से बेल सकें। तो चलिए अब इसे बेलते हैं। तो इसे बेलने के लिए मैं पहले जिस पर मुझे इसे बेलना है उसे तेल लगाकर चिकना कर लूंगी। हम इसे बेलने के लिए सूखा आटा नहीं लेंगे, हम इसे तेल लगाकर ही बेलेंगे। तो मैंने इसकी लोई बना ली है और अब इसे तेल लगाकर ही अच्छे से बेल लेंगे। गोलगप्पा बनाने के लिए हम इसे बहुत पतला नहीं बेलेंगे और ना ही बहुत मोटा बेलेंगे। अगर आप बहुत पतला बेलेंगे तो ये गोलगप्पे फूलेंगे नहीं तलते समय, और मोटा बेलेंगे तो गोलगप्पा बिल्कुल पूरी की तरह मुलायम हो जाएगा। अब हम इसे एक ढक्कन की हेल्प से काट लेंगे। आप चाहें तो ग्लास या कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन जिसके एजेस शार्प हो, नहीं तो आपको इसे फिर से बेलना पड़ेगा। तो अब मैंने इसे काट लिया है और ये एक्स्ट्रा आटा हम बाहर निकाल देंगे और अब इस आटे को हम अगली बार फिर से बेलने में इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी पानी पूरी कितनी पतली है। तो अब हम इस पानी पूरी को एक गीले कपड़े पर इस तरह से बिछा देंगे। अब मैंने सारी पानी पूरी इस पर बिछा दी है और अब फिर से इसे एक गीले कपड़े से इस तरह से कवर करके रख देंगे। अब इसे हम इसी तरह लगभग 15 मिनट तक ढककर रखेंगे। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं और अब हमारी पानी पूरी तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे तलते हैं। तलने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और अब हम चेक करेंगे तेल अच्छा गरम है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये छोटा टुकड़ा आसानी से ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारा तेल अच्छा गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक पानी पूरी डालेंगे और इसे इस तरह से तेल ऊपर डालते हुए फुला लेंगे। तो अब हम तेल ऊपर डालते हुए एक एक करके सारी पानी पूरी को इस तरह फुलाएंगे और फिर इसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसे पलटकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लेंगे।
पानी पूरी डालते वक्त तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए और उसके बाद जब पानी पूरी फूल जाए तो हम गैस को लो कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी एक पानी पूरी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की पानी पूरियों को भी बाहर निकाल लेंगे और अब हम फिर से बाकी की पानी पूरी भी इसमें डालकर तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है और जब ये पूरियां एक बार फूल जाएंगी तो अब हम फिर से गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लेंगे। सारी पानी पूरी तलने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो अब हमारी सारी पानी पूरी तलकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, ये कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब मैं एक पानी पूरी आपको बनाकर भी दिखाती हूँ। इस पानी पूरी को बनाने के लिए मैंने तड़के वाले पानी और इस मटर मसाले का इस्तेमाल किया है। इसकी रेसिपी आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकती हैं। तो पहले मैं पानी पूरी को तोड़ूंगी और फिर इसमें इस आलू मटर के मसाले को भरूंगी। फिर मैं इसमें ये हींग तड़के वाला पानी डालूंगी। इस पानी को डालने से पहले हम इसे अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे और फिर इसमें ये तड़के वाला पानी डालेंगे। तो अब हमारा पानी पूरी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही क्रंची भी है। तो चलिए एक और पानी पूरी तैयार कर लेते हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपने अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।